जेबरा भाई। अरे भाई। भाई आज है चौथा दिन और आज हम अपने होटल से चेकआउट कर चुके हैं। बहुत उदास है, आज मासियां चली गई हैं। हाँ मासियां चली गई हैं। बाय बाय। होटल से चेकआउट करके अब हम लोग निकल रहे हैं बैंकॉक के लिए। लगभग एक से डेढ़ घंटे का रास्ता है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सफारी वर्ल्ड में। और क्या कौन कौन से जानवर है गाइड साहब यहाँ पे? आपको लायंस मिलेंगे, टाइगर्स मिलेंगे और जिराफ वगैरह, एलिफेंट्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सफारी वर्ल्ड के अंदर एंट्री करते हुए हम लोग लंच करने के लिए आ गए हैं। हम लोग शो से पहले लंच है, एक खाना हमने ले लिया है। पूड़ी के साथ चिकन खाते हैं, हरी चटनी, खीरा, प्याज और फ्राइड चिकन। तो ये है बेस्ट टॉयलेट ऑफ द ईयर 2000 और ये है टॉयलेट इन द गार्डन। तो अब डॉल्फिन शो की तरफ जाते हुए पर होने वाला है सी लायन शो। ये रही, ये भी बेस्ट पब्लिक टॉयलेट ऑफ द ईयर है। ये देखो कितना क्या पेड़ है भाई साहब, मजा ही आ गया। और देख तो लो क्या है। ओ ओ भाई टॉयलेट है तो बहुत अच्छा है। ये बेस्ट टॉयलेट ऑफ द ईयर अंदर से दिखता है ऐसा। भाई हमें कुछ करने के हैं, सिर्फ बात हो। ओहो बेस्ट बेस्ट। पकौड़े का माहौल बन गया, अगर पकौड़े हो जाते ना। भी हम लोग सफारी करने वाले हैं अपने ही बस के अंदर और यहीं से आपको नज़ारे दिखेंगे। सफारी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है हर किसी को एक ना एक बार लाइफ में करना ही चाहिए। और यहाँ पर थाईलैंड में कोई एक्चुअल जंगल तो नहीं था, वहाँ पर एक प्राइवेट उनकी टेरिटरी थी, एक उन्होंने जगह बना रखी थी जहाँ पर आप अपनी बस में कार में जाते हो और जानवरों को देखते हो। राइनोसोरस। हाँ बढ़िया। और ये खूबसूरत वाइल्ड बीच भाई, ये तो एक लायन मिलेंगे यहाँ पर। और ये शेर दिख गए आपको, शेर भाई। टाइगर तुमने काफी देख लिए। तो बैंकॉक में शॉपिंग करने के बाद और डिनर करने के बाद अभी मैं रूम में चेक इन किया है बैंकॉक वाले में। और ये है छोटा सा क्यूट सा रूम। बस ओ, अभी हम लोग सारे यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर खाना खाने वाले हैं नीचे बैठ के पूरा। तो ये मैंने लिया है चिकन नूडल सूप
और अगर अच्छा लगेगा तो ही ये लोग ऑर्डर करेंगे, नहीं लगेगा तो मैं खा के निकल लूंगा। तो भाई ट्रिप हमारी एंड हो चुकी है, एयरपोर्ट से निकल रहे हैं भाई। बहुत बुरा लग रहा है भाई, जो बुरा वापस जाना अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा भाई क्या हो गया अकेले लोगों का, हमारे भाई नैन्सी का क्या होगा, जॉय का क्या होगा, नुई का क्या होगा, इनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी भाई। अब हम आपको मिलवाने वाले हैं लोगों से जिनका फाइन कट है सिगरेट पीने में। एक सिगरेट आपको पड़ती है थाईलैंड में 4,500 रुपए की, आइए देखिए। तो भाई ये रूम में सिगरेट पीना मना था और फिर भी पी गई है, तो इस फाइन लग गया है भाई पे 2,000 बाद। बहुत अच्छी गाइड है भाई, अगले टूर में भी इसी को करेंगे। यस सर, लव यू तो बोल दो। लव यू, लव यू। जोए के लिए गिफ्ट है, थैंक यू। तो इसी के साथ थाईलैंड सीरीज समाप्त होती है इस चैनल पे, और अब नेक्स्ट सीरीज जो आएगी वो होगी कश्मीर की, मतलब बीच से आपको डायरेक्ट पहाड़ों पे ले जाएंगे। तो ये चैनल देखते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, खाते रहो, पीते रहो, सदा सुखी रहो और देखते रहो काटते कूल को। Yeah, I'm good. I'm joking.